पद्मा पाइप्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं संस्कृति जैन। आज आप लोग झालावाड़ में दिखाते हैं आपके जिले की ताजा तरीन खबरें। भवानी मंडी के कृषि उपज मंडी परिसर में उपखंड अधिकारी के द्वारा मास्क वितरित किए गए। ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन व उपखंड अधिकारी के द्वारा कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क वितरित कर व्यापारियों व किसानों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की समझाइश की गई। पचपाड़ में आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए उपखंड अधिकारी के द्वारा पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया गया। कस्बे में होने वाले नगरपालिका चुनावों को देखते हुए उपखंड अधिकारी रामप्रकाश जी द्वारा पचपाड़ क्षेत्र के पोलिंग बूथ, स्कूलों आदि केंद्रों का निरीक्षण कर अनियमितताओं की जांच की गई। भवानी मंडी पटवार हक यात्रा के तहत सरकारी अस्पताल में काला मास्क व फल वितरण किया गया। राजस्थान पटवार संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में पटवारी हक यात्रा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 9 अक्टूबर को प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल में पटवार संघ की सभी उपशाखाओं द्वारा काला मास्क व मरीजों को फल वितरण किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत उपशाखा पचपाड़ द्वारा भी सरकारी अस्पताल भवानी मंडी में मास्क वितरण व फल वितरण कार्य किया गया। इस दौरान जिला महामंत्री राजेश गुप्ता, पटवार संघ अध्यक्ष बाल मुकुंद नागर, उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण व सभी पटवारी उपस्थित रहे। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत रथ यात्रा 9 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को श्री राधे श्याम मंदिर ट्रस्ट के प्रायोजक में पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के द्वारा भवानी मंडी उपखंड में साप्ताहिक जन जागरूकता अभियान रथ यात्रा को भवानी मंडी उपखंड अधिकारी रामप्रकाश वर्मा व ट्रस्ट अध्यक्ष कृष्ण कुमार राठी के द्वारा श्री राधेश्याम मंदिर परिसर से रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्री राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कृष्ण कुमार राठी ने बताया कि यह जन जागरूकता यात्रा 7 दिवसीय है। इसके तहत भवानी मंडी उपखंड के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कोरोना महामारी से ग्रामवासियों व नगर वासियों को जागरूक किया जाएगा एवं साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों को अभी मास्क ही कोरोना वैक्सीन का मंत्र देते हुए मास्क वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी राधेश्याम गुप्ता, दामोदर कचोलिया, बालकिशन गुप्ता, रमेश मानधन, विठल अचोलिया, मुनीम छगन मदन आदि कोरोना जन जागरूकता रथ यात्रा पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष पर्यावरण प्रेमी फूलचंद वर्मा के नेतृत्व में रथ यात्रा निकाली गई। झालावाड़, 2 बाइकों की भिड़ंत में अधेड़ की मौत। सीमावर्ती मध्य प्रदेश के सुसनेर कस्बे की यह घटना। 52 वर्षीय लालचंद ने उपचार के दौरान झालावाड़ अस्पताल में दम तोड़ दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने पोस्टमार्टम कर कार्यवाही शुरू कर दी है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के इंटर्न चिकित्सकों ने रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के तत्वाधान में मिनी सचिवालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट व इंटर्न चिकित्सकों ने बताया कि कोरोना काल में विपरीत समय में भी सभी इंटर्न चिकित्सक कोविड-19 वार्ड्स में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें मात्र 7,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो एक अकुशल श्रमिक के मानदेय से भी कम है। साथ ही कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रहे हेल्थ वर्कर और इंटर्न चिकित्सकों को सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। ऐसे में जितना मानदेय मिलता है वह तो सुरक्षा उपकरणों पर ही खर्च हो जाता है। इसलिए सभी की मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए तथा कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रहे वर्कर्स को भी अतिरिक्त मानदेय दिया जाए। क्या मामला है? हम इंटर्न पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारी ड्यूटी कोविड वार्ड में लगाई जा रही है। हमारा प्रमुख मुद्दे ये है कि कोविड वार्ड में हमारी ड्यूटी लगाने के बावजूद भी हमें मानदेय नहीं मिल रहा है, जबकि उड़ीसा जैसे राज्य के अंदर प्रतिदिन के हिसाब से 1,000 रुपये मानदेय कोविड और हेल्थ वर्कर्स को दिया जा रहा है। खानपुर ब्लॉक में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिगढ़ पर प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित दिवस पर गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिसमें NM प्रेमलता सुमन, गीता वैष्णव, LHG जयसमा, PHS रेखा ट्रेलर मौजूद रही। महिलाओं की जांच कर उन्हें कोरोना से बचाव के उपाय बताए गए व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जांच कर कुल 18 महिलाओं की जांच की गई। डक पुलिस ने IPS सटोरियों पर कार्यवाही करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लाखों के सट्टे का हिसाब और सट्टा उपकरण जब्त किए।
थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गुरुवार रात थाना क्षेत्र धामंदा खुर्द गांव के गोविंद सिंह के घर में चल रहे अवैध सटोरियों पर दबिश दी, जिनके पास से 11 मोबाइल, एक लैपटॉप सहित टीवी व सेटअप बॉक्स जब्त किए। साथ ही एक डायरी में लाखों रुपए का सट्टा हिसाब लिखा हुआ पाया गया। सटोरियों के पास से 900 रुपए नगद भी बरामद किए। बता दें कि आईपीएल सट्टे पर यह डक पुलिस की पहली कार्यवाही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके तार किसी बड़ी गैंग से जुड़े हो सकते हैं। बताएं सर, क्या मामला है? कल देर रात्रि हमारे को दौरान गश्त मुखबिर सूचना मिली कि हमारे डक थाना इलाके के गांव दामंदा खुर्द में आईपीएल के मैच पर जोरों से सट्टा लग रहा है। इस पर हमने मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने से नियमानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से सर्च वारंट प्राप्त कर दामंदा खुर्द गांव में प्रताप सिंह सनोब नातू सिंह जाति सोंधिया राजपूत के बंद कमरे में की तलाशी ली, तो उसमें कल आईपीएल का मैच पंजाब और हैदराबाद टीम के पर लग चल रहा था। पनवाड़ थाना क्षेत्र के दहीखेड़ा में पुलिस ने जुआरियों पर कार्यवाही करते हुए उजाड़ नदी के पास से ताज के पत्तों से रुपयों का दाव लगाते हुए 5 लोगों को गुरुवार रात गिरफ्तार कर 5,050 रुपये बरामद किए। थानाधिकारी जगदीश नागर ने बताया कि दहीखेड़ा में उजाड़ नदी के पास बैठकर दहीखेड़ा निवासी धनराज मेहर, राम भरोच बागरी, धर्मराज माली, शौकत अली इरफान को गिरफ्तार कर 5,050 रुपये बरामद किए गए। उन्हें थाना क्षेत्र के कागड़िया गांव में देर रात्रि को एक व्यक्ति ने शराब के नशे में सब्जी काटने के चाकू को अपने ही पेट में घोप लिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी सीएचसी चौमेला में उपचार के दौरान मौत हो गई। उन्हें एसएचओ भवर सिंह ने बताया कि मृतक गोवर्धन लाल के पुत्र ने लिखित में रिपोर्ट दी है कि मेरे पिता सुबह से ही शराब पी रहे थे, अचानक उनको क्या हुआ कि सब्जी काटने के चाकू से अपने पेट पर वार कर लिया। उनको सीएचसी चौमेला में लाया गया और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्हें पुलिस ने परिजनों से पर्चा बयान लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया। पता है क्या मामला है? विष्णु मेहर निवासी कागड़िया ने रात को एक रिपोर्ट दी कि मेरे पिताजी शराब पीने के आदी है और कल सुबह से वो शराब पी रहे थे। शराब के नशे में रात्रि 10 बजे करीब उन्होंने जो सब्जी काटने के घर में चाकू था उसे पेट में घोंप लिया और उस चाकू से उनकी आंतें कट गई। उपचार के लिए अस्पताल लाए। जहां पिड़ावा क्षेत्र के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत हरनावदा गजा में नायब तहसीलदार रघुवीर स्वामी पटवारी अखिल मोहम्मद द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उन किसानों से जुर्माना किश्त राशि जमा कराई गई जिन्होंने चरागाह भूमि पर कब्जा किया हुआ है। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह सिसोदिया, समाज सेवी बहादुर सिंह चौहान, पंचायत सहायक गोपाल शर्मा, नेपाल सिंह ठाकुर, कमल सिंह, विनोद वार्ड एवं वार्ड पंच मांगीलाल आदि मौजूद रहे। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रमाय दलपत के डंडेरा में सीसी रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। गांव में हनुमान मंदिर से राम मंदिर तक ग्राम पंचायत द्वारा सीसी रोड बनाया जा रहा है। गांव के इस मुख्य मार्ग में काफी समय से ग्रामीण गंदगी व कीचड़ की समस्या से परेशान थे। ग्रामीणों ने सरपंच श्यामूबाई से सीसी रोड बनवाने की मांग की थी। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा सीसी रोड निर्माण कार्य का काम शुरू करवाया गया है। पिड़ावा नगर पालिका में नो मास्क नो एंट्री के तहत अधिकारियों व व्यापारियों की बैठक उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सभी व्यापारियों ने सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक रविवार को सभी दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया गया। इसके लिए कस्बे में मुनादी भी करवाई गई। इस दौरान तहसीलदार लक्ष्मीनारायण प्रजापति, पुलिस उपाधीक्षक धन्नालाल चौधरी, सीआई दौलत साहू सहित व्यापारी उपस्थित रहे। आवर कस्बे में ग्राम पंचायत भवन के सामने राष्ट्रीय किसान संगठन के द्वारा शुक्रवार को एक दर्जन किसानों ने धरना प्रदर्शन किया एवं एएसआई बने सिंह पगारिया को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान संघ के जिला महामंत्री राम गोपाल व्यास ने बताया कि ग्राम पंचायत आवर के खेड़ा गांव में किसानों के पशुओं के छप्परों का पेमेंट 6 माह बीत जाने के बाद भी नहीं मिला है एवं क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा भी नहीं मिला। पगारिया रोड पर बिजली विभाग ने अभी तक अवैध बिजली के पोल नहीं हटाए हैं। आवर में यात्री प्रतीक्षालय के मरम्मत करवाने एवं स्थायी पटवारी लगाने की मांग की गई।
अकलेरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किया जैविक कृषि फॉर्म का अवलोकन। बिंदाई की जैविक कृषि फॉर्म पर गुरुवार को एफपीओ किसानों की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झालावाड़, अकलेरा पंचायत समिति विकास अधिकारी व पीएनबी बैंक के निदेशक संजय शर्मा ने पहुंचकर किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामजीवन मीणा ने बिंदाई की जैविक कृषि फॉर्म पर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने, जैविक कीटनाशक बनाने, चंदन के पौधे आदि का अवलोकन किया और किसानों को जैविक खेती करने के लाभ बताए। वहीं सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में भी जानकारी दी गई। पिड़ावा में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक मंडलाध्यक्ष कमल कासलीवाल की अध्यक्षता एवं जिला महामंत्री डॉक्टर राजेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा केंद्रीय एवं राज्य के निर्देशानुसार आगामी 15 से 30 अक्टूबर के मध्य आयोजित होने वाले भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिमोहन शर्मा, पूर्व पालिका चेयरमैन राजेंद्र जैन, झालरापाटन मंडल प्रभारी सुनील शर्मा, समकित जैन आदि उपस्थित रहे। झालावाड़ जिला कलेक्टर ने कामखेड़ा धार्मिक स्थल पहुंचकर कोविड 19 के तहत मंदिर का निरीक्षण किया तथा मंदिर में निकिया गोहाएं। झालावाड़ जिला कलेक्टर ने बताया कि मंदिर में मुख्य गेट पर सैनिटाइज मशीन, टर्मिनल एवं हैंड वॉश मशीन सैनिटाइजर होकर मुंह पर मास्क लगाकर ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे। जिला कलेक्टर ने पूर्ण रूप से मंदिर का जायजा लेते हुए साफ सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए मंदिर समिति अध्यक्ष को बताया कि मंदिर समिति को पूर्ण रूप से सरकार की गाइडलाइन का पालना करना अनिवार्य होगा। शामगढ़ में कांग्रेस की आम सभा एवं कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आम सभा में काफी संख्या में जनता उपस्थित हुई। आम सभा को संबोधित करने कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी एवं कुलार चौधरी के द्वारा सभा को संबोधित किया गया। आज के समाचारों में बस इतना ही, और अन्य ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स।